आग बढ़ती जा रही है। आज बिहार के कई शहरों में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया, तो पटना में रामचरितमानस का पाठ कर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री के खिलाफ सुलगा बिहार, शहर शहर विरोध की आग। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ ये गुस्से की आग। पवित्र ग्रंथ पर विवादित बयान से ये लोग इतने भड़के हैं कि शहर दर शहर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। पटना की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ बीजेपी के युवा मोर्चा ने इनकम टैक्स गोलंबर पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते रहे। अब जरा विक्रम की तस्वीर देखिए, यहाँ आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन किया। यहाँ भी लोगों की एक ही मांग थी, चंद्रशेखर को बर्खास्त कर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। शेखर जी से पूछना चाहते हैं कि क्या ये जो बोल रहे हैं कि रामचरितमानस है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, एक बार भी उठाकर रामचरितमानस पढ़ने गए हैं? क्या आज तक इनको पता भी होगा कि रामचरितमानस कितने दिनों में रचा गया? बस मुंह उठाए चल दिए, बोल दिए। शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध की आग कटिहार भी पहुंच चुकी है। कटिहार के हरदयाल चौक पर चंद्रशेखर का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीएम नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। वहीं दरभंगा में लहरिया सराय टावर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया, बयान को वैमनस्य फैलाने वाला बताया। साथ ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग की। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और वो जनता की अदालत में फैसला हो जाएगा, बर्खास्त करने की मांग करते नीतीश कुमार जी से। शिक्षा मंत्री के खिलाफ न सिर्फ पुतला दहन किया जा रहा है, बल्कि पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस का पाठ कर विरोध जताया और कहा कि रामचरितमानस पाठ के जरिए हम आरजेडी नेताओं का दिमाग शुद्धिकरण करना चाहते हैं। हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हमारे समाज के इतने बड़े धरोहर रामचरितमानस पर आज जो है इनका अटैक हो रहा है, इस चीज को हम लोग जो है किसी तरह से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रामचरितमानस से राजद के नेताओं का दिमागी शुद्धिकरण करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान से पूरा बिहार सुलग उठा है। बावजूद शिक्षा मंत्री अपने बयान पर अड़े हैं, पार्टी के कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।